पंचकूला तो हरियाणा दी विशेष सीबीआई कोर्ट ने सुना दिता राम रहीम बारे फैसला। डेरा साध नू रणजीत सिंह हत्या मामले च दोषी करार दे दिता गया। जो कौम इतिहास नू संभाल के रखदी है ओ कौम अणख नाल जिउंदी है। नौजवानी दे विच क्रांति हुंदी है। भगत सिंह नू देखना पएगा, नौजवानों नू उहदी सोच नू देखना पएगा, क्रांति लियाउणी पएगी देश दे विच। शहीदां दीआं कुर्बानियां नू याद रखांगे तां ही बनेगा उहनां दे सुपनिआं दा देश। पंजाब दे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी सोच पंजाब अते पंजाब दे लोकां दे उज्जवल भविख नू समर्पित है। पंजाब दी सरकार लोकां दी सरकार। पंचकूला तो हरियाणा दी विशेष सीबीआई कोर्ट ने सुना दिता राम रहीम बारे फैसला। डेरा साध नू रणजीत सिंह हत्या मामले च दोषी करार दे दिता गया। डेरा साध नू पांच साथियों समेत करार दे दिता गया है दोषी। पंचकूला दे हरियाणा दी एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने बलात्कार दे केस दे विच सजा भुगत रहे गुरमीत राम रहीम सिंह नू रणजीत सिंह हत्या मामले दे विच अज दोषी करार दे दिता गया है, क्योंकि यह मामला पहला काफी लंबे समय तो चलता आ रहा सी अते इस दे बारे विच कई सुनवाईयां होने तो बाद अज सीबीआई कोर्ट दे वल्लों अपना आखिर फैसला सुना दिता गया। इस तो अलावा बलात्कारी बाबा राम रहीम सहित पांच आरोपियों नू भी सीबीआई कोर्ट ने इस मामले दे विच दोषी करार दे दिता है। अते हुण इस पूरे दे पूरे मामले दे बारे विच जो भी सजा होवेगी उसके बारे च 12 अक्टूबर नू आखिरी फैसला सुना दिता जाएगा। जिक्रयोग है कि डेरे दे साबका प्रबंधक रणजीत सिंह दी हत्या दे मामले च अज सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा दे बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह नू अते वर्तमान समय च डेरा संभालण वाले प्रबंधक कृष्ण लाल, अवतार, जसबीर अते सबदिल नू दोषी करार दिता है। इस तो अलावा काबिले जिक्र है कि मामले दा मुख आरोपी गुरमीत राम रहीम सिंह रोहतक दी सुनारिया जेल दे विच दो साधवियां दे यौन शोषण दे आरोप दे विच 20 साल दी सजा ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ।